उसको बोलिए, उसको बोलिए क्या बोल रहे, बोलिए उसको बोलिए, बोलिए बोलिए क्या बोल रहे, बोलिए। दिल्ली की जो लड़कियाँ होती है ना, हाँ, वो सिर्फ देखने के लिए होती है, वो मिलने के लिए नहीं होती किसी को भी। मैं तो ऐसे मौके तलाश करती हूँ जब बच्चे इकट्ठे हों और बना के खिलाना पड़े, बड़ा मजा आता है। गोभी और आलू सब्जी और गोभी के ब्रांड में और मक्खन। वाह, मैं तो हमेशा लाती हूँ। और फिर आप आओगे YouTube पे भाई के। आप इतनी तारीफ बहुत करोगे मेरी बुआ जी की। ओए और क्या क्या बनाती है बुआ? अच्छा, इडली सब कुछ बनाती है, इडली बनाती है, कुछ भी बनवा लो, कुछ भी बनवा लो। जब आप जाओगे ना बुआ जी का सांभर की डिमांड, बच्चे कहते हैं हर चीज आपको डिमांड करने की जरूरत है, ये बना लो ठीक है। हेलो, टाइम हो गया, उठिए सर, उठाओ ऊपर, अबे उठो यार, हो गए क्या, ठंड लग रही है, हाथ जम गए, खुशबू आ रही है, खुशबू मैं खुशबू आने वाली है। भाई फोन, बुआ जी के पुराने गाने चलाओ, बड़ा मस्त मजा आता है, आराम से अपना वो देखते हैं, हम लोग भी पुराने गाने सुनते रहते हैं, मुझे बड़ा मजा आता है। और जब आते ही घर मेरी मम्मी की तो ऐसा हो रही है, मम्मी को भाई अकेला रहना होता है, मुझे अच्छा लगता है। और क्या, ये जिंदगी है, भगवान ने एक बार दी है, तो इसको एंजॉय करके जियो। क्या बात है, रोने से क्या है यार, एकदम सही है, ऐसे होना चाहिए। और क्या भाई, सूरज कहाँ सूख गया, लड़का लेके आया है अच्छे से मास्क के, पीछे से काला ऐसे बहन भाई, वो काला तवा सफेद हो जाना चाहिए। या मसाला आ गया भाई, ऐसे कच्चे वाले हमको बढ़िया लगते हैं, भुन जाते हैं ना तो उसका क्रिस्पी खत्म हो जाता है, हाँ कच्चे वाले अच्छे लगते हैं। और मसाले डालो भर भर के, हम मजा आते हैं। खिलाना पड़े, बड़ा मजा आता है। ए बॉय, उसको गाने का नाम क्या आएगा? उसका चंद, उसका है ये सरस्वती चंद्र फिल्म का, सरस्वती चंद। क्या बोली शेर, बताओ फिर से क्या बोली, चला देता हूँ, नहीं नहीं बोल के बताओ। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के। भाई साहब देखो, चला के देखो उसको, ये मक्खन है, ओ भाई साहब जुगाड़ लेकर बैठने का, तुम्हारा क्या जुगाड़ अलग से है? ये आ गई, कोई भी दे दे, यो दे ना, यो दे, वो फटफट करेगा, साफ करके दे, गंदा हो जाएगा। हां साला भी अच्छा बोले, कितनी देर बैठेगा। गैस वैस, इसका स्वाद ही अलग आता है लेकिन, है ना, टेस्ट चेंज है पूरा, आलस आ जाता है, कितना आलस आता है, आज जलाने में अलग आता है लोग, हां ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन चूल्हा रेडी है, देखो सब कुछ है, खटाखट बन गया, बल्कि चूल्हे पे काम जल्दी होता है। मैं सब्जी डालू इनकी दाल ले, तुझे ले का आना, ये ले जाऊं, हाँ रिफाइंड ले, थोड़ा सा मक्खन बच गया था। बताओ घर का मक्खन यार, लस्सी भी बन गई, लस्सी बन गई, ये
तो इस वाले में जितनी एक हफ्ते की जैसे मलाई बना ली तो एज इट इज बना, तो क्या किया उसमें एक हफ्ते मलाई लेके मिक्सी में डाल दही मिला के, अब मिलाई है ना वो साथ साथ जमाओ ना उसका अलग मजा। उसको घुमा देती हूँ वो खट्टापन निकल जाता है। आलू प्याज ग्रेवी हरियाणा राजस्थान सब मिक्स हो गया। हाँ प्रिंस आराम से आना। कम करो आज कम करो। दी सब्जी थोड़ा कम ही दीजिएगा हमको। हाँ सब्जी कम दीजिए क्योंकि पराठा है ना, पराठे के साथ मस्त लगती है सब्जी। हाँ ये तरी वाली सब्जी ना पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। भाई कसको 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 इस पे मक्खन लग, कसको दूर जाओ दूर। प्लेट इधर, प्लेट प्लेट इधर करो। रुको वो ये आंटी चम्मच है ना इधर इसमें रखा, ये नहीं ये आटे में जो रखा। हाँ करेगी खाना सीखो हरियाणा में, खाना हरियाणा की ये स्पेशलिटी होती है। भाई मैं बताऊं ये नहीं नहीं भाई मैं अपना खाऊंगा, बीच में करूंगी बैलेंस, बैलेंस करो बैलेंस। ये अपनी रोटी आ गई ना, हाथ पकड़ के तीन बार ले जा सकते हैं। नहीं टूट जाएगा प्रिंस, तोड़ दो प्रिंस, तोड़ दो मैं आऊं। मैं कह रहा हूं वही, मैं वहीं से कूद जाओ कर देंगे ना। पर थोड़ी देर ये ना अभी ले आज सर धीरे धीरे सर काई नहीं तोड़ दो, मार दे टूट जाएगा। ये मेहनत के करेगा नहीं ऐसे ही जल्दी ऐसे जल जाएगी, कुछ नहीं मारना बस छोड़ दे बस। लकड़ी इसके साथ दूसरी लकड़ी जलती रहूंगी ना साथ साथ। कैसा भाई एक्सपीरियंस, तुम पहले आओ। नहीं 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 रुक जाओ, नहीं रुक जाओ, क्या हुआ गरम लगे सही लग रही क्या? मैं कहता रहा गरम लूंगा सही लग रहा है प्रिंस भाई यार, रुक तो जाओ खा रहा हूँ। एंजॉय तो कर रहे दो, जल्दी पका दोगे भाई, नहीं खाने कोई भाई आराम बढ़िया लगे कहीं जाना ऐसे। हाँ भाई प्रिंस के व्लॉग इसका मन नहीं भरा, पेट भर गया गया मैं भाई थक खाते खाते थक गया। इसीलिए शहर वाले लोग परेशान होते हैं अमूल का बटर खा खा के। अब ये सब मक्खन नुकसान ही नहीं करे ऐसे करके। हाँ लगा लेते हैं फैट फ्री होता है इसमें, पता नहीं मैं नहीं मानूंगा। आपने बताया कि अभी आपने खाया तो बढ़ गया 5 किलो। वही वही बात है, हवा भी लग जाता है। दिल्ली वाले बंदे इतने छोटे छोटे घरों में रहते हैं, फिजिकल नहीं वर्क। और हमारे हरियाणा में पैदल चल के भी इतनी दूर जाना पड़ता है। जैसे मैं स्कूल में मेरी बस आती है स्कूल बस, तो यहाँ से ये मेन रोड इतनी दूर मुझे पैदल चल के जाना पड़ता है। स्कूल का इतना बड़ा ग्राउंड है, उसके बाद मैं कम से कम आधा घंटा वहाँ पे अपनी एक्सरसाइज करती हूँ। अच्छा। और तब स्कूल टाइम होता है तब देखो फिर हमारा तो हजम हो जाता है ना। उधर का माहौल अलग है। हाँ। देख लो तुम दिल्ली हो गए हो, तुमसे चला नहीं जाता है। रोहतक का माहौल अच्छा है ना, रोहतक का नाम बहुत सुन रहा मैंने, मतलब बहुत अलग है है ना, गांव एकदम पूरा नहीं गांव नहीं शहर है ठेठ हरियाणा। मतलब क्या मतलब आप देखोगे ना दिल्ली में नहीं है ऐसी सड़कें जहाँ जो रोहतक में है साफ सुथरी बड़ी साफ सुथरी। जो इलाका देखोगे ना वो पुलिस लाइन मॉडल टाउन पुलिस लाइन नहीं, हमारे पीछे भी बिल्कुल बढ़िया एरिया एरिया बहुत अच्छा एरिया है। हमारे यहाँ जाने से कितना देर लगेगा साइड पे अगर आप उससे जाओगे सवा घंटा बाइक वगैरह से जाओगे तो सवा घंटा। भाई तू बाइक लेके आई अपनी, हम लोग बाइक से चलेंगे तब मजा आएगा, गाड़ी वाड़ी से नहीं बुलेट से चलेंगे बाइक से जाओ खेतों के ताकि हम लोग जा पाए ऐसी जगह पे हंट कर पाए। गाड़ी से नहीं, गाड़ी से नहीं जाना बाइक से चलेंगे। नहीं, तो
पूरे शरीर पे तभी ऐसे ऐसे रगड़ लेते, ऐसी गोरी चिट्ठी होती है गांव की, इसीलिए हमारी मेट थी ना, तो जब हम लोग एग खाते थे तो एग का छिलका हम लोग साइड में रख देते थे, उसमें से निकाल के चेहरे पे लगा लेते, उसका चेहरा इतना चमकता है क्योंकि नेचुरल लगाती है। हाँ। उसने आज तक कोई क्रीम नहीं लगाया, सिर्फ अंडा टमाटर नहीं जल बे नीचे मुनी मोटी वाली इतनी, अच्छा इतनी भरी हुई घूंघट नहीं करते तो वो डाँठा मार लेती है, सिर्फ सबको काम करना होता है, पूरा परिवार काम करता है खेत में, है ना? हमने एक चीज और देखा हरियाणा में ना, शर्ट के नीचे सलवार ऐसा पहनती है, हाँ ओल्ड एज वाले जो, तो मैंने देखा ये चीज, अब नहीं पहनती आजकल की नहीं पहनती। हाँ और ऐसे ही राजस्थान या कहीं तो मैंने देखा था, राजस्थान में ना, राजस्थान में ऐसी है, मतलब आजकल की नहीं पहनती, आजकल के सूट पहने, हाँ पुराने वाली वो शर्ट पहनती है, भाई घर से मक्खन ही नहीं छूट रहा, गोरा हो जाऊंगा, ये देखो कैसे भाई उसको मल ले हाथ में, मलता रहे अपने आप से हो जाएगा। माछरी मतलब तुम भी मचते रहते हो पता चले, ऑब्वियस ही बात है, अब हम भोजपुरी बोलेंगे तो तुम्हारे में नहीं आएगा, है ना? क्या हो ढेर बनत पड़ा तो उसको बोलिए, इसको बोले क्या बोल रहे, बोलिए उसको बोलिए, बोले बोले क्या बोल रहे, बोले दिल्ली की जो लड़कियां होती है ना, हाँ। वो सिर्फ देखने के लिए होती है, वो मिलने के लिए नहीं होती किसी को भी, उसको देखो एंजॉय करो, छुट्टी करो, एक्सपीरियंस है सारे, इतना ही होता है दिल्ली की लड़कियों का। आंटी का देखा जाए कैसे ना रे, अच्छा इसी से बताओ किधर सही यार, आंटी खुद गेहूं बेच रही, ऐसे नहीं मारना ढंग से, ढंग से अच्छे से खोल के, मतलब अच्छे से ऐसे हिलते हुए, हिलते हुए, हिलते हुए, चश्मा टूट जाएगा रिकॉर्डिंग पे, फ्रेंड्स फ्रेंड्स ये देखो हम बेबे, ये देखो नहीं जा रही, इनका मन ना ही करता है, और अपने दादू को पता क्या बोली थी मैं, या तो मैंने मेरी मम्मी दो रहे मैं ऐसा नहीं रेल तले कटका आऊंगी, पिताजी बोले रेल तले कटका वापिस क्यों कराऊंगी, बावली थी इचिंग हो रही है रोई थी बिलाई में, आप लोग रोए थे, मेरे पति देव भी रोए थे इसकी शादी में, और मेरी एक ही साली थी वो भी गई, शादी माँ के पति रोए थे, हाँ वो भी रोए थे घर जाके
आपको एक बात बताऊं, जब ये थी ना हमारे घर में बहुत बदकरती थी, बहुत ज्यादा, इसमें मतलब वो नहीं है, ये जाने के बाद हमारे घर में चोरी सब कुछ, सही में चोरी, हमारा टीवी इतना ही बड़ा था, ये लाया था ना, बता रहे थे बहन साहब, बता रहे थे सिंगापुर से लाया, सिंगापुर से उन्होंने जो पैसे दिए थे ना गड्डी रखी थी 100 की गड्डी, उसपे 1000 का नोट यू कहीं उठा लिया, कम से कम 5-6 लाख थी, खुशबू दीदी पहचान में नहीं आ रही है, हमने कहा बाहर से कोई एक्सपर्ट बुलाया भाई साहब, गोंद के लड्डू पम पम।